यहाँ से मैं गुजर रहा था तो मैंने कहा यार थोड़ा दिखाऊँ। बहुत ही प्यारा इन्होंने इसके एंट्रेंस की वजह। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक मेरे के न्यू व्लॉग में। आज मैं आया हूँ दुबई पाम। ये आप देख रहे हो एटलांटस है, वो आगे एक और बिल्डिंग है उसका नाम मालूम नहीं लेकिन बहुत प्यारा है। और ये अभी उन्होंने एक बलून का सर्विस यहाँ शुरू किया, ठीक है। और इस साइड में देखो ये पूरा दरिया है और इन्होंने यहाँ पर भी कोई अच्छे अच्छे होटल यहाँ बना रखे हुए है। लेकिन मैं अभी सीधा जाता हूँ ये पाम के आसपास एरिया और एक्वायरम जो जगह है वहाँ पर देखता हूँ। पहले तो बहुत सी जगह हमको देखने को मिलती थी फ्री में, लेकिन देखते कि अभी फ्री में मिलते कि नहीं है। तो सीधा उधर चलते हैं और थोड़ा दुबई फार्म की अराउंड एरिया में आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा ये हेलीपैड है, ये वाला, वो वाला और ये तीनों हेलीपैड है। यहाँ से भी इनका हेलीकॉप्टर का भी सर्विस है, पता नहीं कि 2000 है कि डिपेंड करता है कि 20 मिनट का है, 40 मिनट का और 1 घंटे का है। तो जितनी ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा पैसा। अच्छा यहाँ पर पहले काफ़ी फैसिलिटी हुआ करती थी, लेकिन अभी ये है कि ये यहाँ पर पूरा पार्किंग था इस साइड में, तो लोग गाड़ी पार्क करके यहाँ से पूरा नज़ारा व्यू एंजॉय करता है, लेकिन वो उन्होंने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। तो अभी देखो यहाँ पर इतना लोग नहीं आ रहे क्योंकि ये पार्किंग इन्होंने बंद कर दी। और अभी मैं थोड़ा आगे जाकर ये आपको व्यू दिखाता हूँ एटलांटस का। ये उन्होंने बहुत बेहतरीन सा ट्रैक बनाया हुआ है रनिंग के लिए, ठीक है। और पहले हम यहाँ पर भी जाया करते थे लेकिन ये है कि अभी अलाउड नहीं है मुकम्मल तौर पर, क्योंकि जगह जगह सिक्योरिटी होती है तो बिल्कुल अलाउड नहीं करते। अच्छा मैं एग्जैक्टली अभी एटलांटस के सामने खड़ा हुआ हूँ, ये देख एटलांटस जो मेरे ख्याल से बुर्जुल अरब से सेकंड पोजीशन पर ये मोस्ट एक्सपेंसिव होटल है। पहले है बुर्जुल अरब और फिर इसके बाद ये होटल है। और इसको इन्होंने इतनी प्यारी तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, देखो ये लोग यहाँ पर फोटो कर रहे हैं। और ये इसके कुछ ये नीचे का व्यू है, मैं अगर थोड़ा जूम करके देखो देखो कितना प्यारा है, देख। अच्छा मैं स्टिक उठाना भूल गया वरना थोड़ा टिकटॉक वीडियोस भी शूट कर सकता था, लेकिन खैर है कोई मुश्किल नहीं है। और ये तो एटलांटस का हो गया ये व्यू। और फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आगे जाकर एक्वेरियम का कुछ अंदर का कुछ व्यू अगर हमको देखने को मिल सकता है तो वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। अच्छा यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ी एक्वेरियम भी बनाई हुई है, लेकिन ये उसमें कुछ था फ्री और कुछ के लिए आपको पैसा देना पड़ता था। लेकिन अभी सुनने में आया कि वो मुकम्मल तौर पर इन्होंने मतलब पेड किया हुआ है, कुछ भी आप नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी वो ये एरिया है, ठीक है, ये वो ये एरिया है। और देख इनके साथ एक स्टेशन है जो एटलांटस की खुद की मेट्रो से छोटी सी मेट्रो है जो आपको एटलांटस के लास्ट में और फिर इधर लेकर आएंगे, इसकी कितने 45 की टिकट है। और एक ये एरिया है लेकिन इस पर इंशाल्लाह बाद में आएंगे, पहले सीधा जाते एक और उनकी बहुत ही एक आइकॉनिक बिल्डिंग बनाई हुई है इंशाल्लाह उसको देखकर फिर इधर आकर देखेंगे। और ये जो बिल्डिंग है ये मैंने सुना हुआ है कि सिंगापुर में का बनाया हुआ था, उसकी एक डिज़ाइन है ये।
अच्छा, ये सामने जो आप जितना देख रहे हो ना, ये एटलांटिस की एक वाटर पार्क है जिसको तकरीबन कोई 200 या 300 इसकी टिकट है। स्पेशली ये एटलांटिस के नीचे एक वाटर पार्क बनाया हुआ है, तो मोस्टली लोग इसको देखने के लिए आते हैं। और मैंने अभी जो पैसेंजर ड्रॉप किया है वो भी यहाँ पर अंदर गए हुए हैं, मतलब ये पूरा एरिया को एंजॉय करने के लिए, ठीक है। और उसमें टॉप का वो जो अच्छी सी एक है वो ये है सामने, ये देखो, ये देखिए पूरा सीढ़ी गया हुआ और यहाँ ऊपर जाके ऊपर से एक पाइप है, उसमें जाते जाते वहाँ लास्ट लोग पानी वो पाइप के अंदर चले जाते हैं पानी में। तो ये बेहतरीन ये एक चीज़ है जिसकी तकरीबन 200 से 300 इसकी टिकट है, बिल्कुल एटलांटिस के एक साइड में इन्होंने ये बनाया रखा हुआ है। तो यार फाइनली हम लोग पहुंच गए ये आइकॉनिक जो एक डिज़ाइनिंग टावर बनाया हुआ, ये देखो बहुत ही प्यारा है। और इसके नीचे जो व्यू देखो, मैं थोड़ा जूम कर दूँ, ये देख, मतलब इन्होंने खाली खाली जगह किया हुआ है और एग्जैक्टली मालूम नहीं कि इसकी कितनी पर नाइट ये लोग चार्ज करेंगे। और एग्जैक्टली मेरे को इसका भी नाम का पता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करके उसको नीचे मेंशन कर दूंगा इसका ये नाम है, लेकिन बहुत ही प्यारा है। और ये बेसिकली जो मैंने वीडियो में देखा हुआ था, एक सिंगापुर का एक टावर है, ये उससे मिलता जुलता इन्होंने एक डिज़ाइन यहाँ बनाया हुआ है। और दुबई में तो उनका काम यही है, बस दुनिया की जितनी खूबसूरत एरिया है या आइकॉनिक बिल्डिंग है वगैरह है, तो ये उन लोगों की कॉपी करके फिर यही लगाती है। अच्छा, एक और बात है, ये जिस इधर मैं खड़ा हूँ ये पाम जुमेरा है, जैसे खजूर का जो दरख है ना, उसकी डिज़ाइन का इन लोगों ने बनाया हुआ है। और इनका जो एक यहाँ पर इनका बाउंड्री है, और मतलब एक इस बिल्डिंग की उस साइड में एक ये गौर, ये पूरा इस दरख की जो इर्द गिर्द एक पत्ती होती ना वो बनाया हुआ है, तो ये वही पत्ती उन्होंने बना डिज़ाइन किया हुआ है। और उसके ऊपर ये इतनी टावर या वो एटलांटिस, ये सब कुछ उनके ऊपर उन्होंने इसको डिज़ाइन करके रखा हुआ है। तो आप अभी ख़ुद सोचो कि, और उसके ऊपर इसकी पूरी हिस्ट्री वहाँ पर एक टावर के अंदर इन्होंने लगा कर रखी हुई, जितनी इसकी अंदर मटेरियल, जितनी इसके अंदर स्टोन, जितनी इसके ऊपर लागत आया हुआ, जितने टाइम में इसको बनाया हुआ, तो ये सब कुछ इसके अंदर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। बाकी आप देखें, बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन मैंने मिस्टेक ये किया कि वो लेकर आना चाहिए था स्टिक, तो टिकटॉक के लिए वीडियो बनाता, लेकिन फिर भी चल हाथ से बनाता हूँ उस एरिया में जाकर, जो ये प्यारा एरिया है ना, उधर जाकर टिकटॉक वीडियो शो करता हूँ। और यहाँ पर ऐसे आइकॉनिक गाड़ी देखोगे ना कि ये हैरान हो जाओगे। ये तो अभी मैंने सिर्फ एक ही वीडियो खींची बनाई, लेकिन कई ऐसी गाड़ियाँ गुजरी थी, मैं उसकी वीडियो ना बना सका। अच्छा, तो एक फजूल किस्म की टिकटॉक पर वीडियो बना लिया, और ये बहुत बेहतरीन नज़ारा ये देख ले, मैं थोड़ा इसका फ़ोटो खींच लूँ, ठीक है, थंबनेल के लिए। तो बस एक टिकटॉक के लिए वीडियो बनाया, अभी सीधा जा रहा हूँ वो एक्वायरियम की नज़दीक, तो देखता हूँ कि वहाँ पर हमको क्या क्या देखने को मिलता है। बाकी तो बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है देखने। तो फाइनली हम लोग बिल्कुल एक्वायरियम के नज़दीक पहुंच गए हैं, और यहाँ पर इतने लोग हैं, ये है वो मेट्रो बल्कि नहीं है, और ये रहा एटलांटिस, ठीक है। तो अभी हम लोग सीधा जाएंगे अंदर और देखते हैं कि अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर इतने लोग हैं, और ये गाड़ी देखो माशाल्लाह, और ये है यहाँ पर, अभी अंदर यहाँ पर जाना है, तो चल देखते हैं कि क्या क्या देखने को मिलता है। अच्छा, ये देख लो कितनी ज़बरदस्त पुरानी डेकोरेशन इन्होंने बना रखा हुआ है। हम लोग अभी
जबरदस्त। अभी देखते हैं कि हमको अंदर तो शॉप ही शॉप है। ये देख लो, अभी जगह तो बहुत प्यारी बनाई हुई है, लेकिन पूरा यहाँ पर इस तरफ इसका पूरा शॉप ही शॉप है। देख इस तरफ देखो और इस तरफ, और देखते हैं कि अगर हमको कुछ अच्छी सी यहाँ पर, बाकी तो जगह बहुत ही प्यारी बना रखी हुई है, लेकिन हमको क्या क्या प्यारा देखने को मिलता है। बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, अभी हम लोग एग्जैक्टली एक्वायरियम के एंट्रेंस पर खड़े हुए ये वाले, और ये अंदर आप देख सकते हो कि इसका कुछ पानी का यहीं पर ऐसा डेकोरेशन, अंदर पूरा मछली घूमती है। ठीक है, तो अभी सीन ये है कि इसका जो यहाँ का एंट्रेंस है, तकरीबन ये 200 ग्राम इसकी चार्जिंग है। तो अभी तो हम इतनी बजट नहीं कि इसके 200 ग्राम चार्ज करें, बाकी ये अंदर में यहाँ का पहले ये सब कुछ फ्री हुआ करता था, लेकिन ये है कि अभी सब कुछ का जगह जगह पर पैसे। और ये सिक्योरिटी भी खड़ा हुआ है, पता नहीं किस चीज़ के लिए खड़ा हुआ है, देखते हैं। अच्छा, जिधर मैं अभी एंट्री कर रहा था उनको सिर्फ गेस्ट वहाँ पर गेस्ट आते हैं जाते यहाँ पर, और उस गेस्ट के लिए काफ़ी यहाँ पर सब कुछ फ्री है, मतलब सस्ता है। 45 ग्राम इस क्वायर की चार्ज उनके लिए हमारे पास 200 है। बाकी इस तरफ जाते हैं, इस तरफ हमको क्या, लेकिन ये इनसाइड इन्होंने बहुत ही प्यारा ये एरिया बनाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर बस तकरीबन इतना है, और फिर वहाँ पर भी दरवाज़ा है, तो वहाँ से फिर हम लोग अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, ये भी कुछ पता नहीं, कुछ अंदर भी कुछ व्यू है उसकी भी, मैं कहता हूँ वहाँ पर सिक्योरिटी कड़ा होगा। तो बस डेट शीट यहाँ तक, ये क्लॉथ इधर भी और इधर भी। तो अभी चलते हैं उसकी दूसरी साइड, और फिर वहाँ पर एंड जहाँ से हम लोग आए थे, तो फिर हम लोग फिर वहाँ पर जाएंगे। तो लेट्स सी कि व्हाट वी कैन सी हियर। इधर मेरे ख्याल से वही होगा, सॉरी इधर मेरे ख्याल से वही होगा, बस शॉप ही होगा और वही कुछ होगा, और मेरे ख्याल से इतना कुछ नहीं देखने को मिलेगा। देखते और डॉल्फिन का एक बनाया हुआ है, देखो। मेरे ख्याल से यहाँ तो अंदर हम लोग जा सकते हैं किसी हद तक। अच्छा, ये वो वाटर पार्क की एंट्री, यहाँ से वहीं से उसकी टिकट खरीदना पड़ेगा, और ये वाटर पार्क है, वो लोग फोटो खींच रहे, और बस यहीं से इनकी वो होती है। और अल्लाह भला करे इसकी जो एंट्री है वो थोड़ा मैं चेक करवा कर बताता हूँ। इसका है 325 है और 288 है। हाँ, तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसकी प्राइजेज है ये वाटर पार्क। तो बस अभी यही का कुछ इसका व्यू था जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, और मेरे पीछे भी आप देख सकते हो, क्योंकि वो वाटर पार्क में हमारे भाई औकात से बाहर है, क्योंकि उसकी 300 से लेकर 800 ग्राम की अंदर टिकट है, और बाकी ये इतने महंगे महंगे कि सोचो मत इसका। तो बस यही आज का कुछ ब्लॉग था जो आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ मज़ा लिया होगा। एक मिनट, इसकी भी मैं फ़ोटो खींचूँ, शायद थंबनेल में काम आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी मिलता हूँ अच्छी और नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए।